हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट कॉन्सेप्ट में आपने किया था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो आपको याद है कि मैंने आपको एक सिंपल फॉर्मूला करवाया था इसको लर्न करने का, ओवर हीटिंग क्रिएटेड नहीं। तो इसको आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड जो है वो हमने पढ़ी है। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि आप लोगों ने जो भी पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट इज बेस्ड अपॉन द क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इससे आगे ये एक्सरसाइज है, ये आपको एनसीईआरटी की बुक में मिल जाएगी। तो इसको आप अच्छी तरह से कर लीजिएगा, 5 क्वेश्चन जो हैं। अब नेक्स्ट आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो हमने किए थे कि वो वाले सॉलिड जो ऑर्डर्ड है, दे आर हैविंग वेल डिफाइंड ऑर्डर, दे आर हैविंग हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो उन्हीं के बारे में हमने पढ़ना है। तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। तो याद रखना है कि हमारे पास 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स एंड कोवलेंट सॉलिड्स। अब देखिए, इसमें आप अपने आसपास नजर दौड़ाइए, आपको आयनिक कंपाउंड मिलेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड मिलेंगे, मेटेलिक मेटल मिलेंगे आपको, और कोवलेंट सॉलिड्स मिलेंगे। तो इसी के बेस पे हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है। वो 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये बहुत डिटेल में है, तो मैं आपको शॉर्टेस्ट वे में टेबुलर फॉर्म में इसको करवाऊंगा, सो दैट कि आपको इजीली लर्न हो जाए। तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ सॉलिड जो है हमने बता दिए। तो अभी सबसे पहले मैं सीधा चले जाऊंगा कंपैरिजन के ऊपर। तो सबसे पहले हमने पढ़ना है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब देखिए, इसको क्रैम नहीं करना, पहली बात मैं क्लियर कर दूं कि इस टेबल को आपने क्रैम नहीं करना है। तो सबसे पहले आप उसके ऊपर लिखिए टाइप्स ऑफ सॉलिड। हमारे पास 4 तरह के सॉलिड है, मॉलिक्यूलर, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवलेंट, राइट। कोवलेंट को हम नेटवर्क सॉलिड भी कह देते हैं। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन कौन सी हैं? अब आपको ये कैसे याद करना है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड मीनिंग दे आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। क्वेश्चन आएगा आपको कि पर राइट द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ऑफ द मॉलिक्यूल सॉलिड, तो बच्चे क्या करते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयनिक सॉलिड्स मेड अप ऑफ आयंस। तो आयनिक सॉलिड जो है वो आयन से बने हैं, दैट इज द पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से। मेटेलिक सॉलिड जो है वो पॉजिटिव आयन इन आर प्रेजेंट इन द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको प्लस वन में याद होगा, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल आपने किया था मेटल्स का, ये वही है। और कोवलेंट सॉलिड कौन से होंगे, या नेटवर्क सॉलिड, जिसमें क्या होगा हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होगा। तो अब आपने इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल याद कर ली कि मॉलिक्यूलर सॉलिड बने होते हैं मॉलिक्यूल से, आयनिक सॉलिड बने होते हैं आयन से, मेटालिक सॉलिड बने होते हैं मेटल आयंस इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब आप बोलोगे सर हमने तो पढ़ा नहीं लास्ट ईयर, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। ये है हमारे पास मेटालिक सॉलिड, दिस इज अ सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ही इलेक्ट्रॉन्स है, ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इधर उधर बिखरे पड़े हैं, इनका एक समंदर बना पड़ा है, और उसके अंदर पॉजिटिव चार्ज जो हमारे पास कैटायंस ये मौजूद हैं। तो ये हमारे पास हो गया, दैट इज द इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ दैट इज मेटल्स, ओके। ये आपने याद रखना। अब इससे नेक्स्ट आ जाता है कोवलेंट सॉलिड्स। तो कोवलेंट सॉलिड, कोवलेंट बॉन्ड किसके बीच में होता है, कोवलेंट बॉन्ड हमेशा जो है एटम्स के बीच में होगा। तो कोवलेंट सॉलिड कौन के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कौन से होंगी, एटम्स। पहली बात हमें क्लियर होगी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल हमें क्लियर होगी। दूसरी बात है कि बॉन्डिंग और अट्रैक्टिव फोर्सेस, इनके बीच में किस तरह की फोर्सेस होंगी। तो देखिए, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है उनको हमने फर्दर 3 सब डिवीजन में कर दिया, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डर। अब इसको आपने समझना है, राइट। नॉन पोलर का मतलब जिसमें पोल्स नहीं बन रहे, हमारे पास एक आर्गन है, दूसरा आर्गन है एटम, ठीक है। ऐसे हमारे पास क्या है, वी आर हैविंग CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो एक मॉलिक्यूल CCl4 का, दूसरा मॉलिक्यूल CCl4 का, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी उसको हम कहेंगे दैट इज द डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस। तो हमेशा याद रखिए, ऐसे ही हमारे पास एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की दूसरे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक आयोडीन मॉलिक्यूल की दूसरे आयोडीन मॉलिक्यूल के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल की दूसरे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है,
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्शन और लंडन फोर्सेस, राइट। तो ये हमारे पास एग्जांपल है आर्गन कार्बन टेट्राक्लोराइड हाइड्रोजन आयोडीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब पोलर, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पोलर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोल? पोल का मीनिंग है हमारे पास एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मौजूद है। तो ये हमारे पास HCl इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द पोल, ठीक है। हम इसको ऐसे बना के बता सकते हैं नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया पोल। पोल मीनिंग इसमें एक साइड पर पॉजिटिव चार्ज और दूसरी साइड पर नेगेटिव चार्ज। तो पोलर जो पोल होगा, तो अब इसमें ये एक डाइपोल बन गया, ठीक है, जिसमें दो पोल्स हैं मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसने एक और डाइपोल को अट्रैक्ट करना है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव वाली साइड पे हम लिख देंगे पॉजिटिव और पॉजिटिव वाली साइड पे लिख देंगे नेगेटिव, ठीक है। तो ये बन गया पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में जो अट्रैक्शन बन गई, हमने बोल दिया डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, वन डाइपोल एंड अनदर डाइपोल, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी दैट इज कॉल्ड एज अ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो हमारे पास बॉन्डिंग भी होगी, साथ साथ में हम एग्जाम्पल करें ऐसे ही सिमिलरली सल्फर डाइऑक्साइड के केस में होगा। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग लास्ट ईयर आपने पढ़ी थी, ठीक है, HF, राइट। HF में क्या रहेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज इधर नेगेटिव चार्ज। मैं इसको थोड़ा रब कर देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी मैं आपको क्लियर करता हूं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम कैसे समझेंगे, वी आर हैविंग एच एंड एफ, एफ के ऊपर नेगेटिव चार्ज एच के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये डाइपोल है लेकिन इस डाइपोल का हाइड्रोजन इन्वॉल्व है, एक और मॉलिक्यूल है एच एफ का एच एफ, अब इसमें नेगेटिव चार्ज रहेगा यहां पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच में पॉजिटिव पोलर पोल वाला हाइड्रोजन और नेगेटिव पोल वाला फ्लोरीन, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। तो उसके बीच में हाइड्रोजन आ रहा है तो इसलिए यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि लास्ट ईयर हमने प्लस वन में पढ़ा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग दैट इज द वाटर में हो सकती है, एच एफ में हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन HF हमने इसलिए एग्जांपल ली थी यहां पर क्योंकि वाटर सॉलिड में कन्वर्ट होता है, दैट इज द आइस। तो अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आयनिक सॉलिड में हमारे पास क्या रहता है, कोलंबिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड रहता है। आयनिक सॉलिड किससे बने होते हैं, आयन से, जैसे हमारे पास आ गया सोडियम राइट नेगेटिव पॉजिटिव, तो इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, या फिर हम कहेंगे कोलंबिक फोर्सेस होगी, या हम कहेंगे कि आयनिक बॉन्ड होगा। तो ये हमारे पास एग्जांपल कौन कौन सी रहेगी, NaCl, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड एंड